डी विलियर्स की मैदान पर वापसी, वहां दिखाएंगे दम जहां 10 साल से खेलने से डर रहे बल्लेबाज। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डी विलियर्स एक बार फिर मैदान संभालते नजर आएंगे। डी विलियर्स ने बताया कि वह इस साल पाकिस्तान सुपर लीग PSL में अपनी टीम लाहौर कलंदर्स की तरफ से 2 मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेलने को तैयार है। डी विलियर्स को कलंदर्स की टीम ने पिछले साल नवंबर में ड्राफ्ट में खरीदा था, लेकिन उनका करार सिर्फ फ्रेंचाइजी के साथ लीग मैचों तक का था जो UAE में खेले जाने थे। डी विलियर्स ने अब जानकारी दी है कि वे बाकी के 2 मैच जो लाहौर में होने हैं उनमें भी वे खेलेंगे। ESPN किम्फो को दिए इंटरव्यू में डी विलियर्स ने बताया, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं 9 और 10 मार्च को लाहौर कलंदर्स के घरेलू मैचों में उपलब्ध रहूंगा। मैं एक बार फिर गद्दाफी स्टेडियम में खेलने और लाहौर कलंदर्स को खिताब तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूं। गौरतलब है कि 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकाई टीम पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से वहां इंटरनेशनल मैच होने बंद हो गए थे। हालांकि इसके बाद भी पाक में कुछ टीमों ने क्रिकेट खेला है, लेकिन कोई बड़ी टीम अभी भी पाकिस्तान नहीं गई है। डी विलियर्स बीते वर्षों में पाकिस्तान में खेलने वाले बड़े नामों में से एक होंगे। बकौल डी विलियर्स, मुझे पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान में दूसरा धर्म है। मुझे अभी भी साल 2007 में यहाँ मिला समर्थन याद है। मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी में रोल अदा कर सकता हूँ।